मोनिका इन द किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे के पकोड़े और धनिए पुदीने की चटनी। आइए तो धनिए पुदीने की चटनी बनाना शुरू करते हैं। धनिए पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया लिया और पुदीना दोनों फ्रेश लिए हैं, अच्छे से इनको धो लिया है और गलती से मैंने इनको एक बाउल में इकट्ठा ही रख दिया है। और 3 चम्मच मैंने दही लिए, 4 हरी मिर्च लिए हैं, 2 चम्मच मैंने मूंगफली लिए रोस्ट की हुई और 1/14 चम्मच जीरा। और 1/4 चम्मच सेंधा नमक। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। चटनी तो पिस गई है, अब मैं इसमें बाकी बची हुई दही डाल देती हूँ और सिर्फ एक बार बटन दबाएंगे मिक्सी का, इसको एक बार ग्राइंड करूंगी बस। मैं चटनी पिस गई है, अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। इस चटनी को हम व्रत में पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, सामक की खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, साबुदाने के छिल्ले के साथ खा सकते हैं। ये स्पेशल व्रत की चटनी है। मिक्सी के जार में जो चटनी चिपकी रह गई थी उसमें थोड़ा पानी डालकर मैंने उसको भी निकाल लिया है। चटनी को हम गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से कर सकते। देखिए व्रत की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे और आलू के पकौड़े। उसके लिए मैंने ये 6 आलू ले लिए हैं और 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा ले लिया है। दो चम्मच मैंने कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और 3-4 हरी मिर्ची ली है, इनको मैंने बारीक काट लिया है। आधा चम्मच सेंधा नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च। अब हम इनको मिक्स करेंगे, आलू को फोड़ लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा पानी मिक्स करूंगी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। बना के तैयार करना है पकोड़े के लिए, जिससे हम आसानी से पकोड़े छोड़ सके। ये देखिए पकोड़े का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम पकोड़े तलने शुरू करेंगे। कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। मैं व्रत का खाना बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं इसमें पकोड़े छोड़ दूंगी। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फुल फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऊपर से तो रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे निकलेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर तक सिक जाएंगे, इसलिए इनको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकाल दूंगी। सिंघाड़े के आटे के पकोड़े और धनिया पुदीने की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये सबको बहुत पसंद आती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है।